हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 9 बताते हैं। ये प्रोनाउन परिवर्तन और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, टेंस परिवर्तन, तीनों परिवर्तन के बाद की एक्सरसाइज है। स्पेशल रूल्स पर आधारित है, स्पेशल रूल्स भी बताए गए थे इसके पहले एसर टू सेंटेंस में। तो अगर आप ये नहीं देखें वीडियो स्पेशल रूल्स का और इसके पहले की, तो अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, दे सेड टू मी वी हैड डन ऑल द वर्क बिफोर वी लेफ्ट द स्कूल। तो इसमें क्या है, सेड टू को टोल्ड कर देंगे हम, एसर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, मी के बाद हम दैट लगा देंगे, वी को जो हम वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो दे के अनुसार बदल देंगे, तो वी को दे के अनुसार बदलेंगे तो दे हो जाएगा। हैड डन ऑल द वर्क बिफोर वी का फिर दे कर देंगे, लेफ्ट द स्कूल, सब कुछ वैसे रहेगा, इसमें टेंस नहीं बदला जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो टेंस बदला नहीं जाता, प्रोनाउन परिवर्तन कर देंगे, बाकी सब परिवर्तन कर देंगे, टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। तो वी का दे कर देंगे दोनों जगह, बाकी कुछ नहीं करना, दैट लगा के जोड़ना। अगला है, सी सेड आई वाज स्लीपिंग हियर, ठीक है, तो सी सेड के बाद दैट लगा देंगे, आई का सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा, वाज को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे तो हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। तो सी हैड बीन स्लीपिंग हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर इन दिस, दिस का हो जाएगा दैट। तो दो निकटता सूचक शब्द है, दोनों बदल लीजिए, तो जगह सी सेड दैट सी वाज स्लीपिंग देयर इन दैट रूम, तो वाज का सॉरी सी हैड बीन स्लीपिंग देयर इन दैट रूम, क्लियर, जो बताया गया वाज का हैड बीन कर दीजिए, हियर का देयर कर लीजिए। अगला है, सी सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगा दीजिए, फिर आई का जो है आप सी के अनुसार बदलोगे, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी हो जाएगा, सी के साथ बिल लगता है इसलिए हम पास्ट में बदलेंगे, वुड हो जाएगा, ठीक है, सी वुड, सी यू का क्या हो जाएगा, मी के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार मी हो जाएगा, सी वुड सी मी टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे हो जाएगा, हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट सी वुड सी मी द नेक्स्ट डे। चौथा है, हामिद सेड टू सरला, हामिद सेड टू सरला, तो हामिद टोल्ड सरला हो जाएगा, दैट लगा देंगे, आई का हामिद के अनुसार ही हो जाएगा, एक साथ बिल लगता है इसलिए पास्ट में बदलेंगे तो वुड हो जाएगा, वुड रिटर्न, यू को सरला के अनुसार बदलेंगे तो हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर, फिर योर को भी हम हर में ही बदलेंगे क्योंकि हर प्रोनाउन भी होता है और हर पजेसिव केस भी होता है, ना उससे पहले भी लगता है तो हर ही लगता है, अपना की अंग्रेजी भी और उसके उसकी की भी अंग्रेजी होता है, तो दोनों होगा। देखिए, सरला ने, हमिद ने सरला से कहा, आई शैल रिटर्न यू योर बुक इन ए वीक, मैं तुम्हारी किताब एक हफ्ते में वापस कर दूँगी, तो हम ये कहेंगे सर, हामिद टोल्ड सरला, हामिद ने सरला को बताया दैट ही वुड, ठीक है, दैट ही वुड, ठीक है, आई को क्या करेंगे हम, हमिद का सॉरी, ही वुड रिटर्न हर, ठीक है, कि वह उसे वापस कर दे क्या, हर बुक उसकी किताब इन ए वीक, तो दो हर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑब्जेक्ट है एक पजेसिव केस है, दोनों वही रहता है, उसमें कन्फ्यूज मत होइए। पुष्पा सेड आई माई सेल्फ कैन प्रिपेयर इट नाउ, तो पुष्पा सेड दैट हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड ही रहता है, आई को पुष्पा का आंसर बदलेंगे सी हो जाएगा, आई के साथ तो माई सेल्फ लगता है, सी के साथ सेल्फ या सेल्फ फॉर्म क्या होता है, हर सेल्फ, ठीक है, सी हर सेल्फ, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, प्रिपेयर इट नाउ का देन हो जाएगा। चलिए आगे, यू सेड टू मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, यू टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगा देंगे हम, आई का क्या करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट आंसर बदलेंगे यू, यू हो जाएगा, यू टोल्ड मी दैट यू, ठीक है, फिर आई को यू में बदल देंगे सब्जेक्ट आंसर, दैट यू कुड नॉट हेल्प, फिर योर जो है, योर को हम ऑब्जेक्ट आंसर बदलेंगे मी के आंसर, तो योर का हो जाएगा माई, फ्रेंड स्टार्ट क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, ठीक है, तो यू टोल्ड मी दैट यू कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड द प्रीवियस डे। अगला, ही सेड द गेस्ट विल अराइव हियर वेरी सून, तो दैट लगा दें, ही सेड दैट द गेस्ट, बिल का क्या हो जाएगा, वुड, द गेस्ट वुड अराइव हियर का क्या हो जाएगा, देयर, वेरी सून। अगला है, द बॉय सेड टू हिज फादर, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, द बॉय टोल्ड हिज फादर, दैट लगा देंगे,
द एग्जामिनेशन बिल का क्या कर देंगे, वुड। द एग्जामिनेशन वुड बिगिन फ्रॉम टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, टुमारो का द नेक्स्ट डे। द स्टेशन मास्टर सेड, बियॉन दैट लगा के जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट द ट्रेन इज का क्या कर देंगे, वाज। रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर, सब कुछ वही रहेगा, इसका वाज कर देंगे। ही सेड दीज बॉयज मे सीट हियर, तो दैट लगा देंगे, ही सेड दैट। दीज बॉयज का क्या हो जाएगा, दोज बॉयज। मे का क्या हो जाएगा, माइट। सीट हियर का क्या हो जाएगा, देयर। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। चलिए, ये था एक्सरसाइज नंबर 9। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।